हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हम यहाँ हुजूर आला चुनाव आयोग को कह रहे हैं, बताइए जरा, पाँच चरण का चुनाव खत्म हो गया, लोकसभा की कुल 417 सीट पर वोटिंग पूरी हो गई, बाकी बचे अगले दो चरण में 114 सीटें कवर हो जाएंगी। छठा चरण महज 3 दिन बाद आने वाला है और अब जाकर चुनाव आयोग नींद से बेजार हुआ है। यानी कि अमर्यादित भाषा को लेकर उन्होंने आखिरी के दो चरणों से पहले सख्ती दिखाई है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। नोटिस में आयोग ने दोनों ही पार्टियों को चुनावी भाषणों में संयम बरतने और मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने कहा है, दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करें, रैलियों के दौरान भाषण देने में सावधानी बरतें और गरिमा बनाए रखें। भाजपा से उन प्रचार भाषणों को रोकने के लिए कहा है जिनसे समाज में बंटवारा हो सकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा कि वो संविधान को लेकर गलत बयानबाजी न दे। इसके अलावा अग्निवीर योजना पर बोलते हुए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से कहा कि वो डिफेंस फोर्स का राजनीतिकरण न करे। बता दें कि चुनाव आयोग ने ये सख्त निर्देश नेताओं की जनसभा के दौरान भाषा के गिरते स्तर के मद्देनजर जारी किया है। इससे पहले भी 25 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और बीजेपी को नोटिस जारी किया था। उस वक्त दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग से हेट स्पीच को लेकर शिकायत की थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ाने के झूठे दावे कर रहे हैं, देश को भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने जो शिकायत की थी उसमें पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन लेने को कहा था। बहरहाल अब देखना ये है कि चुनाव आयोग की सख्ती का कितना असर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर देखने को मिलता है।